कक्षा नवी के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का देख लीजिएगा सेट सी समझेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, तो ये पेपर आप करके जाओगे ना तो गारंटी ले लूँ मैं 60 से 65 नंबर पक्के हैं हर बच्चे का, है ना। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन जो पंत है ना वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कांट की घंटिया, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें, ये हो गई मृदुला गर्ग की रचना। कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? देखो कोयल जो है ना वो, ठीक है भैया, प्रेम का संदेश देना चाहती है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ आलंबन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमान में कौन सा प्रत्यय है? देखो अभिमान जो है ना उसमें मान प्रत्यय है क्या, ठीक है। उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो BA की, ठीक है, बेकार आदमी की कर ली थी उनने परीक्षा, है ना भैया पास। लो एकांकी में कितने एपिसोड होते? तो एक एपिसोड होता है। आपने देखा हो नाटक, उनको पिछले एपिसोड में ये देखा फलानी सिंह ढीमके सिंह के साथ भाग गई, ये हो गया। पिछले एपिसोड में ये हो गया, उसकी सासू ने उसकी बहू को डरा दिया, तो वो क्या है? ये एकांकी में कितना, एकांकी जो होती है ना एक ही एपिसोड की होती है, और नाटक जो होती है अनेक एपिसोड की होती है। महादेवी को एक कविता के पार्ट पर उसको कितने मिले थे? चांदी का कटोरा मिल गया था। मेरे को तो नहीं दिया था भैया, कहीं मालूम किसको दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। बिहार, बिहार का जाएगा जाबीर हुसैन। मात्र ही भर में को इस तरह का है ये, तो मात्र ही भर आपका है निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी नाटक सम्राट जय शंकर प्रसाद माने गए। संसाधनों का क्या हो रहा है? अपव्यय हो रहा है। छायावादी काव्य में कवि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दोहा जो है एक मात्रिक छंद का उदाहरण है क्या? तो सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या किया गया? मानवीकरण किया गया है, बिल्कुल राइट बात है। दोहा जो है एक मात्रिक छंद है, सत्य है। एक टोपी पर 2500 जूते न्यूछावर होते हैं, यह सत्य रहेगा। किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? रश्मि है। उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी है, असत्य रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, ये सत्य रहेगा। मरकत के खुले डिब्बे सा क्या है? पर्वती ग्राम। स्थाई भाव को जागाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? ठीक है भैया, विभाव कहा जाता है उन्हें। क्या कहते हैं अपन? विभाव कहा जाता है, ठीक है भैया। महादेवी वर्मा के परिवार में हिंदी को कौन लाया था? महादेवी वर्मा की माताजी लाई थी। उपसर्ग शब्द कहाँ से जुड़ा है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ा है, जुड़ता है शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद, ठीक है। नाटक को कितने अंक होते हैं? नाटक में बेटा अनेक अंक होते हैं, एपिसोड, है ना। भक्ति काल की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिएगा। सगुण भक्ति काव्यधारा की कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास क्यों कहा है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान के प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? अहर कौर सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों है? हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है हथकड़ियों को? महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। रूपक अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार। जीवनी और आत्मकथा में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। निबंध किसे कहते हैं? राहुल सत्य कृत्यान की भाषा शैली की विशेषता है।
हरी शंकर परसाई की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। क्या आपको लगता है कि कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? पूरे क्वेश्चनों का सोल्यूशन दूंगा, एक एक क्वेश्चन का है ना, घबराओ बताओ। तो संधि और समास में तो ये दो अंतर बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? कच्चे धागे को खींच रही है नाव। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा आप बढ़िया से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका है ये यहाँ पर, ठीक है भैया, इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये जो 20 है इसको ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर है अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 है ये, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको हिंदी का बेहतरीन सा पेपर बता दिया सेट सी, इससे पहले है ना मैंने सेट ए बता दिया है आपको, नहीं देखा है तो देखना है, सेट बी भी देख ली देखना है, सेट सी और डी। और आपको बहुत एक लॉन्ग वीडियो में चारों पेपरों को ऐड कर दूंगा, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, पूरे ऑल इंडिया में गारंटी मैम, इनसे इनके अतिरिक्त तो कोई से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।